T20 वर्ल्ड कप का सुल्तान कौन, फैसला कल होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड में पड़ेगा जोर का जोड़, शाहीन इंग्लिश शेयरों को दबोचने के लिए बेताब। हाई वोल्टेज टाकरा कल दोपहर 1 बजे शुरू होगा, दोनों टीमों की भरपूर तैयारी। बड़े इवेंट की बड़ी तैयारियां, करोड़ों नजरें चमचमाती ट्रॉफी पर जम गई। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाने की तैयारियां। शायकीन 20 फीट चौड़ी और 70 फीट लंबी स्क्रीन पर मैच के मजे ले सकेंगे। लाहौर वालों ने पाकिस्तानी टीम वाली शर्ट्स खरीदकर बाजारों से स्टॉक खत्म कर दिया। एलेक्स हेल्स और बटलर को जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे। टूर्नामेंट में मिडल ऑर्डर ने बेहतरीन जिम्मेदारी निभाई। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, इंग्लैंड बेहतरीन टीम है, फाइनल में अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। कौम से दुआओं की अपील भी करती। हाई वोल्टेज टाकरे में बारिश भी एंट्री के लिए तैयार। मेलबर्न में कल 100% बारिश की पेशगोई, आज भी बारिश से सड़कें भीग गई। फाइनल नतीजा खेज बनाने के लिए ICC की इवेंट टेक्निकल कमेटी ने कवानीन में तब्दीली कर दी। इतवार को बारिश के सूरत में मैच पीर को होगा। रिजर्व डे पर भी नतीजा न आने की सूरत में खेल का इजाफे दौरानिया 2 से बढ़ाकर 4 घंटे कर दिया गया। टिकट ले लो चाहे सस्ते ले लो, मेलबर्न में भारतीय शायकीन महंगे टिकट सस्ते दामों बेचने पर मजबूर। इंग्लैंड ने भारत का T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का ख्वाब चकनाचूर किया। भारतीयों के टिकट बेचने की वीडियो वायरल। सऊदी वलीअहद का दौरा पाकिस्तान मुलतवी। मोहम्मद बिन सलमान दौरा एशिया मुलतवी होने के बायस पाकिस्तान भी नहीं आ सकेंगे। मोहम्मद बिन सलमान अब इंडोनेशिया के शहर बाली जाएंगे, G20 समिट में शिरकत करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान की नई तारीखों के लिए शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कमर में तकलीफ के बायस पाकिस्तान रवानगी मौखर, कई घंटे मुसलसल फजाई सफर से थकावट का शिकार। शहबाज शरीफ की अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मुलाकात, मौलिज ने आराम का मशवरा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज फिर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पर कहा कि नवाज शरीफ मेरे कायद, मेरे बड़े भाई और मेरे लिए ताकत का सतून है। लीगी कायद का प्यार और मोहब्बत मेरे लिए एतमाद और रहनुमाई का बायस है। फौज पाकिस्तान की सलामती की जामिन। इमरान खान पाकिस्तान दुश्मनों का एजेंडा पूरा करने में मुआविन है। अमरीकी जरीदे ने इमरान खान को बेनकाब कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल के मुताबिक ब्लैकमेलिंग को तस्लीम करना इदारे को कमजोर करने के मुतरादिफ होगा। इमरान खान पाकिस्तान को तबाही के किनारे तक धकेल रहा है। इनका पैगाम फौज के लिए वाज़ेह है, मेरे लिए नहीं खेलोगे तो तुम्हें डिसक्रेडिट करने की हर हद तक जाएंगे। PTI का लॉन्ग मार्च या जलसा, आज लाला मूसा से लॉन्ग मार्च का आगाज किया, वहीं पर खत्म कर दिया। कप्तान के खिताब के बाद सब तितर बितर हो गए। मुट्ठी भर कारकुनान ने पूरा शहर बंद किए रखा। इमरान खान ने वीडियो लिंक खिताब में कहा, हमें साजिश से ना हटाया जाता तो तरक्की की शरह 7% पर ले जाते। ये हुकूमत मईशत कंट्रोल नहीं कर सकती, आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। चार साल से फॉरेन एजेंट ने मुल्क कौम को तमाशा बना रखा है। इमरान खान अब खुद तमाशा बन चुके। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब की तनकीद, कहती हैं चार साल नालायकी, नाअहली और झूठ का तमाशा लगाया गया। इमरान खान के तमाशे बंद होने का वक्त हो चुका। वज़ीर इत्तला'आत सिंध शिरजिली नाम मेमन बोले, इमरान खान मुल्की इदारों की शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इनका मकसद है हर इदारा इनकी टाइगर फोर्स की तरह काम करे। इमरान खान हमला और अरशद शरीफ कत्ल पर जुडिशियल कमीशन बनाने का मामला, चीफ जस्टिस की कमीशन तश्कील पर साथी जजेस से मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। इस्लामाबाद में मौजूद तमाम जजेस से मुशावरत का अमल मुकम्मल। जस्टिस फैज ईसा और जस्टिस आयशा मलिक के साथ पीर को मुशावरत होगी।
नए तायुनात जजेस से भी पीर को मुशावरत किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म को खतूत का जवाब 2 से 3 दिन में दिया जाएगा। अरशद शरीफ की उंगलियों से नाखून खींचे गए, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। FIA ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट अरशद शरीफ की वालिदा के हवाले कर दी। रिपोर्ट किन्या हुक्काम से भी शेयर की गई। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस का फैसला आ गया। रावलपिंडी की अदालत ने मकतूला के साबिक शोहर को सजाए मौत और 10 साल कैद की सजा सुना दी। मुलजिम हुरियतुल्ला और सुल्तान को 7-7 साल कैद की सजा। मुलजिमान यूसुफ, जाहिदा और रशीद तीनों को बरी। फैसले सुनाने के मौके पर अमरीकी FBI टीम भी मौजूद। अली सरफराज हुसैन DG नैब लाहौर तायुनात, नोटिफिकेशन जारी। विफाकी हुकूमत ने ग्रेड 20 के ऑफिसर अली सरफराज हुसैन की खिदमात 3 साल डेपुटेशन पर नैब के हवाले की थी। वजीर खजाना इसहाक डार की काविशों के मुल्क मईशत पर मस्बत असरा। स्टॉक मार्केट के सरमायाकार सरगर्म। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1236 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 163 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बिजली चोर हो जाए होशियार। वजीर आजम की हिदायत पर पावर डिवीजन बिजली चोरी रोकने के लिए सरगर्म। चोरी रोकने के लिए एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निजाम मुतारिफ करा दिया गया। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं AMI सिस्टम से बिजली चोरी फौरी तौर पर पकड़ी जाए। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट 16 दिन के लिए बंद करने का फैसला। रनवे की मरम्मत के बायस एयरपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 5 से 20 दिसंबर तक एयरपोर्ट बंद करने का नोटम जारी कर दिया। मुतबादल के तौर पर लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। बिजली चोर हो जाए होशियार। वजीर आजम की हिदायत पर पावर डिवीजन बिजली चोरी रोकने के लिए सरगर्म। चोरी रोकने के लिए एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निजाम मुतारिफ करा दिया गया। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं AMI सिस्टम से बिजली चोरी फौरी तौर पर पकड़ी जाए। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट 16 दिन के लिए बंद करने का फैसला। रनवे की मरम्मत के बायस एयरपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 5 से 20 दिसंबर तक एयरपोर्ट बंद करने का नोटम जारी कर दिया। मुतबादल के तौर पर लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। मारूफ स्टेज अदाकार तारिक टेडी की तबीयत नासाज, हालत मजीद बिगड़ गई, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना है तारिक टेडी का जिगर 70% काम नहीं कर रहा।